नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार घर के सभी सदस्यों के धन कमाने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता, मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। इन समस्याओं का कारण आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से ही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत ही मिल सके। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है स्वास्तिक का चिन्ह। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का माध्यम होता है। ऐसा घर का मुख्य द्वार बाधा रहित, साफ सुथरा और सजा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए दरवाजे के दोनों ओर लाल सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वास्तिक होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी चीज है कछुआ। कछुए को वास्तु शास्त्र और फेंग शुई दोनों में ही महत्व दिया गया है। सनातन धर्म के अनुसार कछुआ शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर जीवित कछुआ को पालना संभव न हो तो पंच धातु का बना कछुआ, जिसकी पीठ पर श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र बना हो, तो घर की उत्तर दिशा में घर के अंदर की ओर मुख करके रखने से धन की कभी भी कमी नहीं रहती। कछुए को किसी प्लेट में पानी डालकर रखना सबसे अच्छा रहता है। तीसरी चीज है जल का पात्र। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा का तत्व है जल यानी कि पानी। अगर इस दिशा में मिट्टी का पात्र, घड़ा या सुराही को जल से भरकर रखा जाए तो धन की समस्या समाप्त हो जाती है। बस ध्यान रहे, इसे समय समय पर भरते रहें। पात्र या सुराही खाली नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज है वास्तु देवता की तस्वीर। वास्तु दोष को दूर करने का एक बड़ा ही आसान तरीका वास्तु देवता की तस्वीर है। अगर घर में वास्तु देवता की तस्वीर लगा दी जाए तो सारे वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। पांचवी चीज है दौड़ते हुए घोड़े। अगर घर या ऑफिस की दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की दीवार पर दौड़ते हुए काले घोड़ों का चित्र लगा दिया जाए तो धारा प्रवाह धन का आगमन होने लगता है। ध्यान रहे, घोड़े काले या लाल ही हो, घोड़ों की संख्या 7 होनी चाहिए। छठी चीज है पिरामिड। वास्तुशास्त्र के अनुसार पिरामिड में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जिस घर या ऑफिस में पिरामिड होता है वहां अपार धन की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। इसका सटीक उदाहरण हमारे पुराने मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इनका बाहरी स्वरूप पिरामिड के आकार का है और ये विश्व के धनी मंदिरों में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों, इन 6 चीजों में से कोई भी एक चीज होली से पहले घर लाएं, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें और प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।